क्या हो अगर एक कंपनी स्कैम को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाए और वो सिस्टम ही अपने आप में एक स्कैम बन जाए। तो आज का ब्लॉग इसी के बारे में। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे स्कैम की जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से भी स्कैम हो सकता है। तो कुछ वीक्स पहले हम जू गए थे घूमने और वहां पर टिकट विंडो पे डैडी की पॉकेट से किसी ने फोन चोरी कर लिया था। अब उस फोन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, स्पेशली डैडी का जो चैनल है उससे रिलेटेड सारा डेटा था और आगे आने वाले वीडियो जो थे वो भी उसी के अंदर रखे हुए थे। आपको पूरा ब्लॉग देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब जो फोन चोरी हुआ वो मैंने 1.5 साल पहले खरीदा था और 1.5 साल पहले का वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट फोन था, प्रोसेसर वाइज, कैमरा वाइज और बैटरी वाइज। बट जब मैंने नया फोन देखना शुरू किया मार्केट में तो मुझे उसकी टक्कर का फोन नहीं मिला। तो घूम फिर के मैंने फिर वही फोन वापस ऑर्डर कर दिया और वो मुझे डिलीवर हो गया था। मैं रोड पे ना फ्लैश जला रखा हूँ, देखना दिखेगी क्या? हाँ हाँ दिख रही है। हाँ ठीक है। किस नाम से? मयंक। ठीक है भैया, थैंक यू। किधर से खुलेगा? इधर से ही खुलेगा लगता है। चलो भाई देखते हैं कैसा फोन है। ये सब पुराना सा माल कैसे आया है? 2021 का बना हुआ है तभी। चलो फोन सही सलामत निकल जाए, और क्या चाहिए अपने को। चलो ये फोन देखते हैं। आह क्या बात है, ये इसका सिम इजेक्टर। चलो पावर भी आ गया, इसके अंदर इसका चार्जर आ गया है। ठीक है, ये इसकी केबल आ गई है। ओके फोन देख लेते हैं। इसमें धूल कैसे घुसी हुई है यार। चलो चला के देखते हैं क्या है सीन। अनबॉक्सिंग के टाइम ही मुझे लग गया था, ये फोन जो है ओल्ड स्टॉक का है, 1.5 साल पहले की मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई थी। और जब कोई फोन इतने टाइम तक अनयूज रहता है तो उसकी बैटरी पे असर पड़ता है। तो ऑफ कोर्स वही हुआ, जब मैंने अनबॉक्स किया तो उसकी 46% बैटरी थी, लेकिन 45 मिनट्स के अंदर वो जीरो पे आ गई सेटअप करते करते। तो उसी वक्त जो है मैंने अमेजन पे कंप्लेंट कर दी, और यूजुअली जैसा कि अपन कंप्लेंट करते हैं तो वो या तो रिटर्न करते हैं या रिप्लेसमेंट की जो है रिक्वेस्ट रेज कर देते हैं। लेकिन यहां पर मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होगा, वो एक टेक्नीशियन असाइन करेंगे और वो टेक्नीशियन आपके घर आएगा, फोन चेक करेगा, वेरीफाई करेगा जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे हैं वो प्रॉब्लम है, और वो जब तक रिपोर्ट नहीं करता तब तक वो ना तो आपका रिप्लेस करेंगे और ना ही रिफंड करेंगे। तो हमें जो है एक टेक्नीशियन असाइन हो गया। तो जो टेक्नीशियन असाइन होता है वो यूजुअली एक दिन छोड़ के सेकंड डे को ही आता है घर पे। तो 2 दिन बाद सुबह 10 बजे मेरे पास कॉल आया। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, ये मयंक शर्मा नाम से सर जी, आपका मोबाइल फोन के लिए कंप्लेन है, पोको X3 Pro। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही सर इसमें? फर्स्ट टाइम इसको यूज किया ना तो 50% से फटाफट से 0% पे गिर गया था। तो क्या आप रिप्लेस चाहते हैं, रिफंड चाहते हैं आप? मुझे ये डाउट था कि इस सेलर के पास हो सकता है ओल्ड स्टॉक ही हो और सेकंड टाइम भी ये 1.5-2 साल पुराना फोन ही आ जाएगा, इसीलिए मैंने रिफंड का डिसाइड कर लिया था। चलिए ठीक है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ डिफेक्टिव में डाल के। ठीक है सर। ठीक है, तो एक बार आप अपने अमेजोन एप्लीकेशन ओपन करिए सर जी, वहाँ पे 4 डिजिट का जो आप स्टार्ट पिन सेंड कर रहा हूँ वही मुझे बताइए, मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मुझे पता चला कि जब भी कोई टेक्नीशियन विजिट करता है तो अपनी ऐप में एक जॉब आईडी आती है 4 डिजिट की। तो जब तक वो टेक्नीशियन बंदा अपने फोन में एंटर नहीं करेगा तब तक अमेजोन वालों को पता नहीं चलता कि ये बंदा यहाँ घर पर पहुँच गया है कि नहीं पहुँचा है। जी सर, पिन आपका सही एकदम करेक्ट सर जी। अब मैं सर जी इसको डिफेक्टिव में डाल देता हूँ, आपके पास कोई कॉल आएगी तो आप बता देना, टेक्नीशियन भी चेक किए थे, मेरे डिवाइस में काफी प्रॉब्लम था, वो अपना रिपोर्ट हार्डवेयर इशू में डाले, मुझे रिफंड चाहिए। ठीक सर? ठीक, क्योंकि सर जी रिफंड का मैटर है, अगर फर्स्ट कंप्लेन में आपका काम हो जाएगा बेस्ट ऑफ लक। हमको एक बार अगर जब कॉल करेंगे आपको, अगर कॉल आएगी ठीक है सर जी, नहीं तो 8 बजे आप फ्री होके आप अमेजन कस्टमर को कॉल भी कर लेना। क्या है कभी कभी वो लोग कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तुरंत सेकंड कंप्लेन कर देना सर जी, वो भी मेरे ही पास आएगा तो सेकंड कंप्लेन में आपका 101% काम हो जाएगा। ठीक है सर। फिर गेम तब घूमा जब मैंने शाम को अमेजन पे वापस कॉल किया तो उन्होंने कहा उन्होंने रिपोर्ट किया है कि फोन में कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा कि टेक्नीशियन ने तो कहा था रिफंड का रेस करूंगा, और अब उधर उन्होंने दूसरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि डिवाइस ठीक करके आए वो, तो ये क्या चक्कर है? तो बोला सर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि टेक्नीशियन ये रिपोर्ट नहीं कर देता कि इस फोन में गड़बड़ है। तो मैंने कहा कुछ मिस्टेक हो गई होगी सिस्टम में, अब दोबारा से रेस कर दो। दोबारा टेक्नीशियन असाइन हुआ और वो सेम बंदा असाइन हुआ। अब की बार उस बंदे ने फिर
फिर से कॉल किया सेम। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। अरे वो कल आपने कुछ दूसरी रिपोर्ट दे दी उनको। नहीं नहीं, अभी मैं अपडेट करके सर जी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो दे रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है। वो थोड़ा ड्रामा किए होंगे, बट मैं आपको बताया था अगर फर्स्ट कंप्लेन में नहीं होगा सर तो तुरंत आप सेकंड कंप्लेन कर देना, वो भी मेरे ही पास आएगा, तो मैं फीडबैक डाल दूंगा, ठीक है भैया। फिर मैंने शाम को फोन किया अमेजन पे, अमेजन वालों ने बोला कि सर ये तो सेकंड टाइम भी इन्होंने कहा है कि डिवाइस तो ठीक है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि कस्टमर तो मैं एक ही हूँ, बट एक ही कस्टमर से उसने अमेजन को ये दिखाया कि उसने दो बार जॉब की है, घर पे गया है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उसने मेरे से वो नंबर फोन पे ही मांगे हैं। तो ये एक तरीके का स्कैम वो बंदा खेल रहा था। फिर थर्ड टाइम मैंने फिर से कॉल किया, मैंने कहा आप एक और टेक्नीशियन असाइन करो। और अब की बार मुझे समझ आ गया था कि जॉब आईडी फोन पे शेयर नहीं करनी है, ये जब यहाँ आएंगे तभी इनको जॉब आईडी देनी है और तभी अपना काम हो पाएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम एक नया बंदा असाइन कर रहे हैं। अब थर्ड टाइम नए बंदे का कॉल आया सुबह 10 बजे। हाँ भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, अमेजोन से बोल रहा था। वो उसके लिए फोन के लिए ना। हाँ जिधर अपना, चलो मैं आने से पहले फोन करूंगा सर आपको, है ना। कितने बजे तक आओगे? मैं अभी फोन कर रहा हूँ सर सबको, अभी देखता हूँ शेड्यूल बना रहा हूँ कि इस एरिया से निकले, है ना। फिर 15 मिनट बाद कॉल करके बोलता है सर आपका घर तो बहुत दूर है, मुझे बताओ कि आप रिटर्न कराओगे या रिप्लेस करवाओगे। मैं कह रहा हूँ बड़ा 22 किलोमीटर में यहीं से चेंज करवा देता हूँ यार, फिर आपका बोलो मोबाइल चेंज करवा दूंगा और क्या। नहीं रिटर्न करवा दो उसको तो। रिटर्न में देख भाई मेरे भी कट जाते हैं, 350-400 रुपए कट जाते हैं ना, मैं इसलिए डरता हूँ, कोई मतलब नहीं है मेरा, रिटर्न तो हो जाएगा 7 दिन में पैसा आ जाता है। नहीं तो आपके क्यों कट जाते हैं समझ नहीं आया। हमारे इसलिए काट देते, बोले आप मत दिलाया करो पेमेंट, बोले कस्टमर जाने और अमेजोन जाने, बोले अमेजोन ने माल भेज दिया, बोले वापस क्यों करवाते हो ये। तो आपको कितने चाहिए? मेरे को नहीं चाहिए होते यार दादा यार। नहीं वो तो मैं समझ गया, ऐसा तो कोई रूल नहीं होता है, आप बोलो मैं कर देता हूँ पर्सनली। 350-400 रुपए होता है भाई, देख लो ज्यादा नहीं, जो हमारे कटते हैं ना वो बच लेंगे। चलो मैं करता हूँ 5 मिनट में फोन करता हूँ एक बार पूछ के। तो अब यहाँ पर बेसिकली उसको 450-500 रुपए बनाने थे और वो सब झूठबाजी थी, क्योंकि मैंने उसी टाइम मैंने कहा 5 मिनट दो, और फिर मैंने अमेजन को वापस से कॉल किया, मैंने कहा भैया तुम्हारा टेक्नीशियन जो है पैसे मांग रहा है। तो अमेजन वालों ने बोला कि उनके हाथ में ये है ही नहीं कि रिप्लेस करना है या रिटर्न करना है, वो सिर्फ ये रिपोर्ट करते हैं कि डिवाइस डिफेक्टिव है या नहीं है, रिटर्न या रिप्लेसमेंट वो कस्टमर सर्विस वालों के हाथ में होता है। तब मुझे समझ में आया कि दूसरा बंदा भी जो है स्कैम कर रहा है। तब मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसा करो आप तो रिप्लेस की डाल दो। बोले ठीक है सर मैं करा देता हूँ। उसके तुरंत बाद जो है उसने वहां से कैंसिल मार दिया। मैंने फिर से कॉल किया तो बोले कोई नहीं सर हम वापस से एक और टेक्नीशियन असाइन कर देते हैं। चौथी बार ये टेक्नीशियन असाइन हो रहा है। लेकिन शाम आते आते वही बंदे का नाम आ गया और वो सेम बंदा आ गया। बंदे का फोन आता है 6 बजे मेरे पास कि सर मैं कल आ रहा हूँ। वही बंदा जो सुबह मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है और शाम को इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे कॉल करके बोल भी रहा है कि मैं कल आ रहा हूँ। फिर मैंने फिर से अमेजन वालों को कॉल लगाया और उनको ये पूरी सिचुएशन समझाई। अब उन्होंने एक कंप्लेंट रेज करी और उन्होंने बोला सर हम यहीं से आपके रिटर्न की रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं और अब कोई टेक्नीशियन नहीं आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो फाइनली रिटर्न की रिक्वेस्ट रेज हो गई है, 4-5 दिन में बंदा आएगा, मैं फोन रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने सोचा काफी लोग अपना सामान रिटर्न कराते हैं, जेन्युइनली डिफेक्टिव आ जाता है पीस, तो अगर आपको रिटर्न कराना हो और टेक्नीशियन इस तरीके से परेशान करे तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है, अगर आपको कोई फोन या कोई भी एक्सपेंसिव चीज रिटर्न करानी है और टेक्नीशियन आपको फोन करता है तो आप उसको बोलो कि भैया आप घर आओ तभी मैं आपको जॉब आईडी दूंगा, जॉब आईडी 4 डिजिट जो आपको ऐप के अंदर मिलती है। अगर वो बंदा आ जाता है चेक कर जाता है और डिफेक्ट रिपोर्ट कर जाता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा बोलता है कि नहीं सर आपका घर दूर है मैं यहीं से कर दूंगा तो आप बोलो ठीक है फोन कट करो, अमेजन वालों को फोन करो, बोल दो बंदा नहीं आ रहा है। सेकंड सिचुएशन में वो कुछ पैसे मांग सकता है कि अगर आपको रिटर्न कराना है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, फोन काटो अमेजन को कॉल करो और बता दो। तो आगे से अगर आप कोई आइटम रिटर्न कराओ जिसमें टेक्नीशियन असाइन हो तो इस स्कैम से बच के रहना, और जो लोग भी ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हैं उनके साथ ये शेयर कर देना ताकि वो भी सतर्क हो जाए कि भैया ऐसा स्कैम होता है। पता नहीं कितने लोग तो पैसे दे देते होंगे 500-1000 रुपए की भैया रिटर्न करवा दो यार लो पैसे लो। और इसमें आई डोंट थिंक अमेजन वालों की कोई गलती है क्योंकि अमेजन एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर इन लोगों ने लूप होल ढूंढ लिया है कि सिस्टम में कमी ढूंढ के और कैसे स्कैम किया जा सकता है। बल्कि अमेजन वाले तो सपोर्टिव हैं, अगर आप उनको पूरी सिचुएशन समझाते हो तो आपका सॉल्यूशन कर देते हैं। और एक और चीज मुझे पता चली कि जो रिटर्न विंडो होती है वो 7 डेज की होती है, लेकिन अगर आप कंप्लेंट कराते हो तो जब तक वो टेक्नीशियन विजिट नहीं करता तब तक वो विंडो आगे खिसक जाती है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपने वीडियो यहां तक देख लिया है और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।